लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर फैसला दिया है, लेकिन राज्य सरकार इस पर अलग तरीके की राजनीति कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार अपनी गलतियां छुपाने की बजाय अगर समाधान के लिए कोई प्रस्ताव लाती है तो बीजेपी उसका समर्थन करेगी। देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने जो आज ठराव लाया है वो केवल टाइम पास करने का विषय दिखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंपेरिकल इंक्वायरी कही है और इंपेरिकल इंक्वायरी थ्रू बैकवर्ड क्लास कमीशन का है। बैकवर्ड क्लास कमीशन अभी सेटअप हुआ है, इंपेरिकल इंक्वायरी के उनको अधिकार भी दिए, फिर ये ठराव लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सेंसस के आंकड़े नहीं मांगे। ये 15-4, 16-4 का कॉन्स्टिट्यूशन का आरक्षण नहीं है, ये 243 का आरक्षण है, ये राजनीतिक आरक्षण है। और इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है उस आदेश के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, किंतु फिर भी सरकार राजनीति के लिए क्यों ना हो इस प्रकार का अगर प्रस्ताव लाती है तो हम समाज के साथ खड़े रहें।